हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप कैसा अच्छे होंगे। सो गाइस पबजी मोबाइल बीजीएमआई 1.6 का अपडेट लगभग सामने आ ही चुका है। नेक्स्ट वीक को हम लोग का अपडेट मिल जाएगा गेम के अंदर, और लगभग हम लोग 1.6 के अंदर जो जो फीचर्स आने वाला ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। और इवन आपको जो मोड्स आने वाला सितंबर का मंथ है उसका डेट भी पता चल ही गया होगा। अगर आपने एनी हाउ नहीं देखा वो वीडियो तो जाके चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है केवल हम लोग का रॉयल पास का जो टेक्सचर है उसके साथ साथ जो टीयर रिवॉर्ड का टेक्सचर है वही आना बाकी है। और मैं आपको बोला जो रियल लीक्स होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी तो एकदम लास्ट डेट तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और इस बार वही हुआ कि अभी तक आपको लीक्स देखने को नहीं मिला, बट जितना ज्यादा चांसेस है कि 13 को शाम को या 14 को जिस दिन अपडेट आएगा सबके लिए ग्लोबल वर्जन 1.6 का, उस दिन आपको M3 M4 रॉयल पास का टेक्सचर आ जाएगा। उसके साथ साथ जो टीयर रिवॉर्ड है उसका भी टेक्सचर देखने को मिलेगा। इवन जो प्रीमियम क्रेट, कस्टम क्रेट, लकी क्रेट सबका टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, जैसे टाइम आएगा एक के बाद एक आपको लीक्स देखने को मिलेगा और सबका सब जेन्युइन लीक्स होता है। खैर ये चीज को जानने दो, अभी हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले जो 1.6 में कुछ इवेंट्स आने वाले उसके बारे में और थोड़ा डिटेल, ऑन डेट में ये रिलीज होगा इवेंट वो भी मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ जो फाइनल अचीवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे 1.6 का। तो डेफिनेटली वीडियो का एंड तक देखना, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इवेंट से रिलेटेड। आपको पता है कल मैं जब पैच नोट दिखा रहा था पबजी मोबाइल 1.6 का, तो उसमें मैं आपको एक इवेंट के बारे में बात किया जिसका नाम आप देख पर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पैटर्न कॉन्टामिनेशन। और ये जो इवेंट है 17th ऑफ सितंबर को स्टार्ट होने वाला और 14th अक्टूबर तक चलने वाला है। जिस दिन हम लोग M3 का रॉयल पास आने वाला है उसी दिन हम लोग का ये इवेंट देखने को मिलेगा। और आपको सिंपली करना ये है कि आपको इरेंगल में जाना होगा। इरेंगल मैप में आपको ये कुछ सामान देख पा रहे अपने स्क्रीन में, इवन मैं आपको दिखा देता हूँ बीटा का इन्वेंट्री में भी वो सामान आपको दिखाई देगा। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हो फॉल्टी चिप आपको कलेक्ट करना होगा। उसके साथ साथ आप देखो सेकेंड जो चीज़ आप दिखाई दे रहा है वाइन, और इवन जो थर्ड आइटम आप देख पा रहे यारिलो स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको इरेंगल में ही केवल देखने को मिलेगा, सैनोक एंड लिविक में ये सामान आपको नहीं मिलेगा। और रैंडमली कहीं भी गिरे रहेगा तो ये सबको पिक कर लेना, ठीक है। ये बैग का स्पेस नहीं लेगा, और जैसे आप पिक करके मैच खत्म करते हो या मर जाते हो एग्जिट मत करना, तब आपका कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे मर जाते हो या फिनिश ऑफ हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप जब लॉबी में आओगे तो आपके इन्वेंट्री में ये आइटम सब दिखेगा। और जैसे ये आइटम को आप डिसमेंटल करोगे तो आपको कुछ फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये फ्रैगमेंट को आप कलेक्ट करते जाओ देखो, लगभग एक महीना के आसपास का ये इवेंट है, तो अच्छा खासा और वो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही आपको चिप मिलेगा। और मुझे लगता है एक ही परमानेंट चीज़ आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दो दो परमानेंट दे देगा तो भाई पबजी मोबाइल ओपी हो जाएगा। खैर अभी हम लोग एक ही एस्टिमेशन लगाते हैं कि एक परमानेंट आउटफिट ले सकते हो, नहीं तो एक UMP ले सकते हो। उसके साथ साथ डेली मिशन भी मिलेगा जो कि 4 होने वाला है, और मुझे लगता है रेगुलर बेस में वो रिफ्रेश होगा और उसमें भी आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसको कलेक्ट करना, और जिस दिन ये इवेंट आएगा तो और एक बार मैं डिटेल में वीडियो बना ही दूंगा। उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा जो पर्टिकुलर लोकेशन है जहां आपको ज़्यादा मिल सकता है ये सब वो भी दिखा दूं, ठीक है। तो ये जो इमेज आप देख पर ये सब आइटम का आप डिसमेंटल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितना आपको मिला है, और वो जो कॉइन मिलेगा उसको आपको कलेक्ट करना। तो ये कुछ आइटम है जो कि आप देख पा रहे हो, और मुझे लगता है दोनों में से केवल एक ही आप आइटम को परमानेंट ले सकते हो, डिपेंड करता है कि पबजी मोबाइल देने का मूड में है कि नहीं। क्योंकि जस्ट बगल में आप देख पा रहे हो कॉइन का बगल में एक प्लस का ऑप्शन है, तो मुझे लगता है यूसी से भी आप उसको मेडल को खरीद सकते हो। तो यूसी जहां लग गया तो आप समझ जाना कि दोनों आइटम तो देगा नहीं, आपको यूसी खर्चा करना होगा तभी तक दोनों आइटम मिलेगा। एक आइटम मिल सकता है क्योंकि एक तो फ्री दे गई, बट वो चीज़ हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे जैसे इसका लॉन्च हो जाएगा इवेंट का, ठीक है। और आपको डेट पता चल गया 17 ऑफ सितंबर को ये इवेंट आने वाला है। सेकेंड जो इवेंट हम लोग का लीक होकर आया है वो भाई टाइटन लास्ट स्टैंड का इवेंट, और ये इवेंट आप देख पर 28 सितंबर को स्टार्ट होगा और 16th ऑफ नवंबर तक चलने वाला है। काफ़ी बड़ा इवेंट है और इजीली आप एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर पाओगे, या दो तीन दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस तरह का इवेंट जो था वो जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का कोलाब हुआ था उस टाइम भी आपको देखने को मिला था। अब देखो ये जो इवेंट का जो रिवॉर्ड है ना टाइम लिमिटेड है, और एक कोरियन वर्जन का इवेंट का रिवॉर्ड है, बट इसमें मे बी रिवॉर्ड जो आप देख पा रहे जैसे पैरासूट और ये वाला जो आप देख पा रहे हो हेड गियर, ये दोनों चेंज हो सकता है ग्लोबल वर्जन एंड BGMI में, बट इवेंट का जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो सेम होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप टाइटन लास्ट स्टैंड खेलोगे उतना आप मारोगे मेका गॉडजिला को तो आपको पॉइंट मिलते जाएगा। 5000 पॉइंट करोगे तो आपको 300 BP कॉइन मिलेगा, 7500 पॉइंट करोगे तो आपको 8 सिल्वर स्क्रैप मिल जाएगा, उसके साथ साथ 10,000 पॉइंट करोगे तो आपको पैरासूट स्किन मिल जाएगा।
जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 5 to 10 days का होने वाला टाइम लिमिटेड। अगर आप 12,500 करते हो पॉइंट, तो आपको ये हेडगियर मिल जाएगा 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल में बात करेंगे जब ये इवेंट आ जाएगा। तो ये दो इवेंट अभी तक लीक होकर आया जो कि मैं आपको दिखा दिया, और इसके बीच में भी बहुत सारा और भी इवेंट आ सकता है, तो वो हम लोग को तभी पता चलेगा जब 1.6 का जब हम लोग ग्लोबल सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। तो इवेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जान लिए। अभी हम लोग अचीवमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, मिशंस में क्लिक करते हैं। इधर आप देखो अचीवमेंट्स है, और सबसे पहला तो अचीवमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये फ्लोरा मेनेस का अचीवमेंट है, और मैं आपको एक एक करके बता भी दिया था कैसे इसको कंप्लीट करना। देखो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है, लास्ट वाला बच्चा है वो तो मैं एक ही मैच में कंप्लीट कर सकता इजीली। तो आई गेस आपको पता है कैसे इसको अचीवमेंट में कंप्लीट करना है। वापस से जब ग्लोबल वर्जन में आएगा तो मैं डिटेल में वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। तो ये अचीवमेंट के बारे में आपको पता है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे एक और अचीवमेंट, जैसे कि मैं आपको बोला था कि उस टाइम ये एक्सक्लूसिव नहीं था, बट मैं आपको बोला था कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये जो ट्रिक और ट्रीट जो अचीवमेंट है इसको भी एक्सक्लूसिव बनाया जाएगा। आप देखो फाइनली बन चुका है। तो ये ट्रिक और ट्रीट जो अचीवमेंट आप देख पा रहे हो ये मंथ ऑफ अक्टूबर में आएगा, जो कि एक स्पेशल क्रेट में आपको इसका आइटम सब मिलेगा। अगर आप क्रेट ओपनिंग करते हो तो इसमें से चारों आइटम अगर आपको मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 40 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगा, उसके साथ साथ एक प्रीमियम कूपन मिलेगा, ठीक है। और मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मतलब यही मंथ में अपडेट अचीवमेंट का देखने को मिलेगा इवेंट, जिसमें मे भी कोई क्रेट ओपनिंग आ सकता है, स्क्रीन आ सकता है, डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। इसको अवेल स्क्वाड नाम का एक अचीवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो 50 अचीवमेंट पॉइंट, और उसके साथ साथ आपको एक प्लेन का स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। बट एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ कोई भी पुराना अचीवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप समझ लो कि कोई भी पुराना अचीवमेंट नहीं आने वाला, चाहे वो पेलोड 2.0 पेलोड का भी शायद अचीवमेंट हटा दिया गया है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर पेलोड का अचीवमेंट हटा दिया गया है तो वो वापस से नहीं आने वाला। उसके साथ से जो हेलोइन या बोल सकते हो जॉम्बी मोड का जो अचीवमेंट है वो भी वापस नहीं आएगा। केवल आप वो मोड को खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, बट अचीवमेंट नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि ये बोल सकते हो कि बीटा का फाइनल वर्जन ही है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और अपडेट आएगा, क्योंकि परसों हम लोग का 1.6 का ग्लोबल अपडेट है, तो हो सकता है छोटा सा अपडेट आए, बट अभी तक तो जितना मुझे लगता है कि कोई भी अचीवमेंट ऐड नहीं होगा। जो एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है एक बार चल जाता दोबारा वो वापस नहीं आएगा, आएगा भी तो फ्यूचर में दूसरा नया अचीवमेंट आएगा, ठीक है। तो समझ के रख लो कि 95% कोई भी अचीवमेंट नहीं आने वाला। लास्ट राउंड अगर पबजी मोबाइल का मन किया तो भाई ग्लोबल अपडेट के साथ साथ आपको दे सकता है, बट वो भी बहुत कम चांस है, क्योंकि बीटा में ज़्यादातर चीज़ वो लोग देता है, उसके बाद ही आपको वापस देखने को मिलता है ग्लोबल वर्जन का सेटअप में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया, और होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। वेट करते हैं एक दो दिन, और उसके बाद तो आपको रॉयल पास का लीक्स, प्रीमियम क्रेट, कस्टम क्रेट, क्लासिक क्रेट, सब कुछ का लीक्स आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।